हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म खिचड़ी। मैं हूं रुना आशीष। और चलिए भाई, काठमांडू की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। एक एक दिन नेपालवासी गिन रहे हैं कि कब होगा ऐसा कि पवनदीप उनके पास आएंगे, उनके सामने आएंगे और परफॉर्म करने वाले हैं। तो 14th और 15th इन दो दिन के लिए पवनदीप वहां पर परफॉर्म करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड कुछ एक अपडेट्स हैं जो आपको देने के लिए आ गई हूँ, कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करने के लिए आ गई हूँ। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि पवनदीप अभी छुट्टियों पर हैं, वो घूम रहे हैं मनाली में और हिमाचल की वादियों में गुम हैं। अब जो उनका जो नेक्स्ट पड़ाव होना है, दैट इज नेपाल में उन्हें जाना है। और ये बात तय हो गई थी शायद लास्ट ईयर के दिसंबर की ही बात है, जब उनके पिताजी से मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया था कि नेपालवासी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पवनदीप वहां पर भी परफॉर्म करने के लिए पहुंचे। तो 14th और 15th की डेट उसी समय तय कर ली गई थी और अब बस कुछ ही दिनों के इंतजार में है नेपालवासी की, कब पवनदीप वहां पहुंच रहे हैं। तो 14th को वो हयात रीजेंसी में परफॉर्म करने वाले हैं एंड 15th को वो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स इस जगह पर परफॉर्म करने वाले हैं। दोनों बहुत जानी मानी जगहें हैं। और जहां तक बात है पवन के वहां पहुंचने के बाद, एक्सपेक्टेड तो ये भी है कि वो मीडिया से तो मिले ही और साथ ही में वहां पर हुज हु जिसे बोला जाता है, जाने माने शख्सियतें, उनसे भी मिलना हो सकता है। फ्रेंड्स, अब इस दौरान हुआ ये कि मैं आशीष से मिली ही थी चेहरा, जब उनका गाना लॉन्च हुआ था तब ऐसे ही हम लोगों की बातचीत चल रही थी। तब आशीष से मैंने पूछा, आप भी तो गए थे नेपाल और नेपाल और इंडिया के कोलैबोरेशन में ये चेहरा नाम का आपका वीडियो आया है, तो क्या कहना चाहेंगे पवनदीप को, नेपाल जा रहे हैं वो? तो उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। अच्छा, आप ना अभी नेपाल जाकर आए, पवन पॉसिबली फॉल गोडवेल फॉल फॉल्स परफेक्टली वी विल गो ऑन 15th, क्या दो तीन चीजें उनको देखनी चाहिए नेपाल में और क्या ध्यान रखना पड़ेगा? पवनदा तो है ही पहाड़ों से, उनको मैं क्या बताऊं, उनको सब पता है। मैं गया था उनको फोन करके कि पवनदा कहाँ कहाँ जाऊं, तो उन्होंने मेरे को तीन चार जगह बताई थी उल्टी। पवनदा को तो बहुत बार हो चुके हैं, आई थिंक ही इज ऑलरेडी बीन टू नेपाल अ कपल ऑफ टाइम्स, तो ही इज आई थिंक वेरी वेल वर्स्ड विद द एंटायर कंट्री एंड वो ही हमको गाइड करते हैं उल्टा। तो उनको बताया आपने क्या क्या देखा, रिएक्शन तो दिया होगा? हाँ हाँ, मैंने मतलब हमारा डिस्कशन तो होता ही है। अब साथ ही में फिर मैंने ये पूछा कि जब आप और निहाल टोरो इंडियन आइडल्स जब आप लोग मिलकर गए थे नेपाल में, तो बहुत प्यार मिला था आपको, बहुत अप्रिशिएट किया गया था आपकी आवाजों को, सो वहां जाकर आपने क्या किया? आई एम अ कंप्लीट माउंटेन पर्सन, होता है ना कि आर यू सी पर्सन, आर यू ओशन पर्सन और माउंटेन पर्सन, ऐसा कुछ होता है ना। आई एम अ कंप्लीट माउंटेन पर्सन, सो व्हेनेवर आई हैव अ शो और व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग समवेयर क्लोज टू द माउंटेन्स, मैं खुशी हो जाता हूँ। और मैं पर्सनली एक्सप्लोरर हूँ, मुझे आई लाइक टू गो प्लेसेस एंड फाइंड आउट एंड कलेक्ट, आई डोंट कलेक्ट मेमोरीज, आई कलेक्ट एक्सपीरियंसेस, ऐसा मुझे लगता है कि हाँ। तो नेपाल में भी मैंने वही किया कि आई वॉक्ड अलोन, I took all of the experience, I took the atmosphere inside and I just kept it, it's in my heart now. So, किसी को पूछता नहीं हूँ, बस खुद खुद ही घूमने चला गया था। Okay friends, तो ये बात तो थी आशीष की और certainly people are expecting कि जल्द से जल्द वो पवनदीप को देख सकें और आवाज को सुन सकें और certainly उनको और प्यार लुटाने का मौका मिल रहा है। अब आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में क्या कहना है लिखकर बताइए। जय हिंद।